अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिए 1 किलो चिकन लिए, और आज हम वो वाले चिकन कढ़ाई बना रहे हैं जो कढ़ाई मसाला हमने आपको बनाना बताया था। मैं आज उसी मसाले की आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। 5 गड्ढे दरमियाने साइज की मैंने प्याज लिए जिसको हमने स्लाइस कर लिया बारीक। 5 अदद हमने लिए टमाटर बड़े वाले लाल, इसको हम नॉर्मल चकोर शेप में काट लिया है। 1 बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है जिसको जूनियर स्केल में काटा है। 5 से 6 अदद हमने लिए मोटी वाली हरी मिर्चें। 1 कप हमने लिया है इसके अंदर दही। 1 चम्मच हम लेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 कप हम लेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें डाल देनी है प्याज, ठीक है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है, ठीक है। प्याज को हमने बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर देना है, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करनी है, ठीक है, और ना ही हमने प्याज को बिल्कुल कच्चा कच्चा सा रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आता है ना, पूरी प्याज को हमने बिल्कुल पकाना है, ठीक है। प्याज हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, ठीक है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, पूरी प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो चिकन थी हमने चिकन डाल देनी है। प्याज के साथ हमने 2 से 3 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लिया। देखिए चिकन की इस तरीके से शक्ल चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है थोड़ा भर के, और उसको 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना, ठीक है। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे हम, बहुत तेज आंच पे नहीं करेंगे, ठीक है। अदरक लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई कर लिया। वहाँ पर जो टमाटर कटे हुए थे हमने टमाटर डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने कोई भी मसाले तो बस में जाएंगे नहीं, हमने जो कढ़ाई मसाला तैयार किया था कढ़ाई मसाले का ही हम बनाएंगे आज की कढ़ाई, ठीक है। तमाम टमाटर हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी इसके साथ अदरक भी डाल देंगे, ठीक है। इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको कवर कर देना है, 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, इतनी देर के लिए कि टमाटर हमारा बहुत अच्छे से पक जाए, ठीक है। 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। हमने कवर करके रख दिया था इसको, ठीक है। टमाटर का पानी बहुत अच्छे से भून के तैयार हो गया, ठीक है। अभी तक हमने इसके अंदर प्याज अदरक लहसुन और टमाटर डाला, ठीक है। टमाटर जो बिल्कुल से गल गए, देखिए बिल्कुल पेस्ट बन गया है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो दही है, दही के अंदर हमने जो हमारे पास ये कढ़ाई मसाला है इसके 4 चम्मच डालने हैं, ठीक है। दही में हमने कढ़ाई मसाले के 4 चम्मच डालने हैं, देखिए दही के अंदर हमने 4 चम्मच कढ़ाई मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इस मसाले को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। मसाले हमारे जो है सारे भुने हुए हैं, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब हमने लास्ट में क्या करना है, हमारे पास जो हरी मिर्चें थी अदरक है हमने हरी मिर्चें डाल देनी है और अदरक डाल देनी, ठीक है। उसको हमने मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर, कवर करेंगे।
5 मिनट के लिए हमने दम पे रख दी थी। कढ़ाई हमारी बिल्कुल से तैयार हो गई है, चूल्हा हमने कर दिया बंद, हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, आज की हमारी दावतों वाली चिकन कढ़ाई बिल्कुल से तैयार है। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। कोई गेस्ट आए, इवेंट्स वगैरह हो घर में, उसमें आप बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार कढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।